नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल या लड़ाकू ड्रोन। भारत सरकार का काफ़ी समय से विचार है, वह इसे खरीदना चाहती है और 2030 तक 100 अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल खरीदना चाहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भारत की लड़ाकू विमान स्ट्रेंथ जो होती कम होती जा रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास जो उसके प्रोजेक्ट है नए विमान खरीदने के, उसमें भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ऐसे में मन में यह विचार आता है कि भारत यह 100 UCAV खरीदेगा या नहीं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पूर्व में 100 Avenger UAV खरीदना चाहती थी US बेस्ड कंपनी जनरल एटोमिक्स से। और ये जनरल एटोमिक्स कंपनी जो एवेंजर ड्रोन बनाती है, ये एक तरह से लड़ाकू ड्रोन होता है जो कि मिसाइल भी दाग सकता है और बम वगैरह भी गिरा सकता है। और ये एक जेट इंजन से चलता है और इसके अंदर बेसिक लेवल की स्टेल्थ प्रॉपर्टी होती है, यानी इसे जल्दी से रडार के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी भारतीय वायुसेना UCAV खरीदना चाहती है जो कि आर्म्ड UAV लाइक, जैसे मैंने बताया आपको एवेंजर ड्रोन, उससे भी ज़्यादा एडवांस होती है। और इसके लिए भारतीय वायुसेना इसे एक अलग प्लेटफॉर्म पे खरीदना चाहती है ताकि अलग से उसका रख रखाव कर सके, उसके लिए अलग बटालियन बन सके। और यह भारतीय वायुसेना अगले डिकेड में चाहती है कि यह काम कंप्लीट हो जाए। हालांकि यह बात ओबामा शासन से लेके और अभी तक ट्रंप शासन तक यह बात चलती आ रही है और अभी तक इस डील को अमेरिका की तरफ से फाइनल नहीं किया गया है। और इसके अलावा एक बात और है कि भारत ने लास्ट ईयर जो इसराइल से ऐसे ही ड्रोन खरीदे हैं जिसका नाम है कि हेरोन TP-XP, जो कि आर्म्ड ड्रोन है जिससे बम और मिसाइल चलाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी क्षमता जो है वो सीमित होती है। इसमें पेलोड केवल 450 किलोग्राम तक ही ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ यह भी बता दें कि भारत का अपना भी एक प्लान है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को विकसित करने का, जिसे घातक प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसमें जो भारत UCAV विकसित कर रहा है उसका नाम घातक है। और इसकी जब अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए, जब इनिशियल इसकी फंडिंग शुरू हुई तो जो एजेंसी जिसको डेवलप कर रही थी उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीड दिखाई और ये प्रोग्राम अभी भी काफ़ी अच्छी स्टेज में जा रहा है। इसके अंदर अभी है वाइन टनल और स्केल मॉडल डेवलपमेंट से गुजर रहा है, लेकिन इसको प्रोडक्शन में पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या अगर स्पीड से चलता है या स्लो होता है, जो भी हो, इसमें अभी टाइम लग ही सकता है। ऐसे में भारत के लिए कहीं फ़ौरन से जो UCAV खरीदने के या फ़ौरन वेंडर को इनवाइट करने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस ने जॉइंटली UCAV पे काम करना शुरू कर दिया है। रशिया जो है वो भी अपना प्रोग्राम बना रहा है ओकोटनिक और हंटर के नाम से, जिसकी कुछ पिक्चर्स भी लीक हुई थी। इसके अलावा USA ऑलरेडी अपने कंपनीज के साथ काम कर रहा है, जिसमें एक कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन है जिसका X-47B है और बोइंग जिसका X-45C फैंटम है, इस प्रोग्राम पे वो काम कर रहा है। इसके अलावा चाइना को देखें तो चाइना ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, उनके प्रोग्राम का नाम जियान है जिसे डार्क स्वॉर्ड भी कहा जाता है। ये UCAV जो है, इसकी उम्मीद है कि ये 2025 तक एक्टिवली सर्विस में आ जाएगा, यानी कि सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें जो स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो हाईली इफेक्टिव होते हैं डीप स्ट्राइक करने में, यानी कि इनको कहीं दूर जाके और कहीं डीपली कहीं इसको स्ट्राइक करनी हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके साथ में क्या होता है कि इसे फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमें नहीं पता है कि दुश्मन का इलाका कैसा है या उसकी तैयारी क्या है तो ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, मैंड प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइटर जेट का हम इस्तेमाल करें तो उसमें क्या है कि खतरा भी ज़्यादा रहता है, दूसरे नंबर पर उसका कॉस्ट भी बहुत होता है। और ये जो प्रोग्राम है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 होता है जो कि मैंड एयरक्राफ्ट जाता है उसके कंपैरिजन में। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी थोड़ी हाईलाइट आपको बताई है कि भारत का प्रोग्राम क्या है UCAV में और अन्य देश इसमें क्या कर रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं, और भारत अगर परचेज करता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी कोई फ्यूचर में डेवलपमेंट होती है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और तब तक मेरा चैनल देखते रहिए और अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।